नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वे और थे जो हार गए आसमान से मैं आपका मित्र मैं आपका साथी मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का आप सभी स्वजनों का आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में आप पीते दिनों से सुन रहे होंगे हम रेगुलर वे में जो भी नियमित विद्यार्थी सेशन को देख रहे होंगे या जो भी आपके जानने में होंगे वो सब बताते होंगे कि सर 9 बजे से जीएस का सेशन रहता प्रश्नोत्तरी का जिसमें हम घटना चक्र में आधुनिक भारत की में, की के इतिहास में अठारह की क्रांति के बाद से हर दिन एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते हैं उसी क्रम में आज भी आपके बीच में उपस्थित होना हुआ है साथियों जैसा कि आपके मैसेजों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से कॉलिंग या किसी माध्यम से फ़ोन जो भी हो अर्थ ये है कि मैसेजों के माध्यम से आपके पता चलता है कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगता है विश्वास मानिए आगे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जैसे जैसे व्यवस्थाएं अच्छी होती जा रही हैं या जैसे जैसे दिन ठीक हो रहे हैं आपके लिए और व्यवस्थाएँ लाने के लिए प्रयास में रहता हूँ हाँ आपको यह करना है जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा साथियों आप सबका एक दायित्व तो यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों को बताइएगा इस चैनल के बारे में और खास करके सेशन के बारे में क्यों क्योंकि इसमें कुछ अनर्गल आपको पढ़ाया नहीं जाएगा सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके बुक से होंगी आप जानते हैं ऑफलाइन क्लासों में या ऑनलाइन क्लासों में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती आपकी बुक छोड़ दी के यानी आपकी बुक जो होती है वो ऐसे धरी की धरी रह जाती है आपकी अलमारी पर पढ़ने के चक्कर में आप अदर नोट्स पे फोकस करते हैं अदर कंटेंट पे फोकस करते हैं तमाम कोचिंगों के नोट्स पे, तमाम कोचिंगों के कंटेंट पे, आपकी जो पुस्तकें आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वो ऐसे के ऐसे अलमारी पे सजी रहती है साथियों बिना समय बर्बाद के आज के सेशन पे स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो आज का टॉपिक दिया है इसी पर लगभग सौ यानी आप कहेंगे जो भी दस बीस पचास प्रश्नोत्तरी है उसी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे आप सब लोग बिना देर किए साथियों को बुला लीजिए क्योंकि खूब प्रतिस्पर्धी सेशन आपका रहने वाला हो रोचक रहने वाला हो खूब सीरियस तरीके से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यहां देखिए पहले प्रश्न पे आते हैं लिखा पहला प्रश्न लिखा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की प्रश्न लिखा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने शुरू की देखिए ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा गया है पूछा है यूरोप वासियों ने पुर्तगालियों ने पंद्रह में स्पेन वासियों ने सोलह में फ्रांसीसियों ने सत्रह में या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोलह में उत्तर दीजिएगा आप लोग मैं गिनता हूँ तब तक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस चलिए साथियों इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा जो लोग ए वाला उत्तर दे रहे हैं इसका कि सर पुर्तगालियों ने पंद्रह छप्पन में तो आप एक क्वेश्चन यहां से आपके ध्यान में बैठ गया कि सर प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात की जाए भारत में तो प्रिंटिंग प्रेस का नंबर आ गया किससे प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस प्रेस और इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करवाने यानी भारत में स्टार्टिंग करवाने लोग वाले लोग कौन से हैं तो वो लोग हैं सर पुर्तगाली लोग कौन से हैं यानी पुर्तगालियों ने पहली बार पंद्रह में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना देखिए एक क्वेश्चन मैंने फिर कहा आपको करना क्या है एक कॉपी

लिखा हुआ है पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार ये देखिए लिखा है पुर्तगालियों ने इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग लिखा है पुर्तगालियों ने अब एशिया की बात कर रहा है ऐसा नहीं केवल भारत की एशिया में पहली बार गोवा में क्या किया गोवा में पंद्रह में किसकी स्थापना की प्रिंटिंग प्रेस की अब आपके लिए सारी चीजें जानने वाली होगी पहला शब्द आप नोट करेंगे प्रिंटिंग प्रेस इसके विषय में जोड़िएगा कि आप कहेंगे इसकी स्टार्टिंग पुर्तगाली द्वारा पंद्रह फिर अगला पॉइंट लिखिएगा गोवा में और एशिया में पहली बार इन्होंने खोला था अगले पे आते हैं भारत का पहला समाचार पत्र ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भारत का पहला समाचार पत्र पीसीएस पीसीएस में मेंस में एग्जाम में पूछा गया है 2004 में क्वेश्चन है बंगाल गजट है हिंदुस्तान टाइम्स है पाइनियर है या संवाद कौम है उत्तर दीजिएगा आप लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इसका मुझे लगता है इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा बंगाल गजट के विषय में ये भारत का पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है बंगाल गजट ठीक बात है ना व्याख्या पर आते बिना समय बर्बाद किए लिखा हुआ ये एक सेकेंड भाई तब तक आप लोग साथियों को शेयर कर लीजिएगा बीच बीच में आप क्या करा करिए आप लोग व्हाट्सअप के स्टेटस पे अगर इसको अगर लगा लिया करेंगे चैनल यूट्यूब वीडियो की लिंक यानी सेशन की लिंक तो उससे ज़्यादातर लोग जुड़ सकते हैं ज़्यादातर लोग इससे समझ सकते हैं तो मैं आपका कह रहा हूँ अलग अलग भेजने की जगह पर आप एक बार में उसी शेयर कर दिया करिए जिसको जुड़ना होगा जुड़ जाएगा अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ भारत में लिखा पहला समाचार पत्र एक लाइन ही है तो आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं बंगाल गजट एक तो ये हो गया दूसरा प्रारंभ में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया देखिए, शुरुआत में अगर पूछा जाए सबसे पहले प्रयास तो विलियम बोल्ट के द्वारा ये अपर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है लेकिन आगे कहेंगे सत्रह वाला खूब पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स आगस्ट हिक्की बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ तीन पॉइंट आपके लिए सबसे जरूरी हो गया पहला विलियम बोट वाला जिसने पहले पर स्टार्ट किया था और जेम्स ऑगस्ट हिक्की सत्रह सौ अस्सी में बंगाल गजट स्थापित कर रहे हैं लिखा हुआ है हिक्की को कंपनी की आलोचना करने की अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया यानी आप कहेंगे जेम्स आगस्टक ही भले ही अंग्रेजी व्यक्ति थे लेकिन इन्होंने क्या किया अंग्रेजी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने आलोचना की इस वजह से इसको बंद भी कर दिया तो तीन चार पॉइंट इस वाले क्वेश्चन से हो रहे हैं आप मैं कह रहा हूं फिर आपसे इसको हैश टैग बना करके अपने पेन से कॉपी में नोट कर लीजिएगा ठीक बात है ना अगले पे आते हैं लिखा हुआ है भारत में प्रकाशित लिखा भारत में प्रकाशित किया जाने वाला पहला समाचार पत्र तो आप अभी कुछ ही देर पहले आपने कहा सर पहला समाचार पत्र कौन सा हो रहा है बंगाल गजट हो रहा है सत्रह इसके विषय में आप बता भी सकते हैं कि सर 1780 में एक व्यक्ति सो जिनका नाम हिक्की जेम्स अगस्टस हिक्की यही स्टार्ट करा रहे हैं ठीक बात न, है ना याद कर रहिएगा जेम्स अगस्टस जबकि दूसरा नाम जो आपने कहा विलियम बोल्स नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने प्रयास किया था लेकिन इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था बीच में अगला लिखा है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने वेलेजली के समय में हैंस्टिंग के समय में या एडम्स के समय में या डलहौजी यानी ये चारों नाम लिखे हुए हैं गवर्नर जनरल्स की पूछ रहा है सेंसरशिप प्रेस पर किसने लागू की थी सेंसरशिप आप जानते हैं जैसे फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है फिल्म सेंसर बोर्ड यानी आप प्रमाण पत्र कब से प्रमाणित कब से यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उस समय वैसे भी कंपनी का विरोध होता रहता था तो इस वजह से इन्होंने कहा सेंसरशिप कब से लागू किसने लागू की थी तो ऑप्शन में आपका ये चार्ट हुआ उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस बहुत बढ़िया इसका उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका ए वाला यानी वेले जली जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ईस्ट कंपनी के उन्होंने क्या किया था सबसे पहले बार प्रेस सेंसरशिप लागू की थी खूब ध्यान से सुनिएगा एक शब्द हो गया प्रेस सेंसरशिप दूसरा शब्द हो गया जली। अगले पे पे आते हैं व्याख्या पे लिखा हुआ है में ये आ जाइए मैंने कहा कॉपी और पेन यानी एक पेज और एक पेन लेकर बैठिएगा तब आपको चीजें कुछ देर बाद आप देखिएगा कम से कम पचासों पॉइंट आप नोट कर ले जाएंगे और केवल केवल शाब्दिक रूप से ऐसा भी नहीं वन लाइनर में शब्द के आधार पर क्या नाम लिखा है पहला वेले जली का दूसरा नाम लिखा सत्रह सौ निन्यानवे में इन्होंने क्या किया सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया उसने सत्रह सौ निन्यानवे में समाचार पत्रों का पत्रिक्षण अधिनियम पारित कर दिया समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर भी लागू कर दिया ठीक बात है ना आगे कहा इसने समाचार इसके अनुसार क्या करना होगा कि समाचार पत्र को संपादक पत्र को संपादक मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्म पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना यानी आप कह रहे हैं यही एकदम से सीधा सीधा हो गया कि मतलब यह है कि आप आलोचना न कर पाए कंपनी की तो आप यहां याद करे रहेगा प्रेस पर सेंसरशिप लगा रहा है कौन व्यक्ति वेले चली कब लगा रहा है सत्रह सौ निन्यानवे में ठीक बात है ना यहां देखिए अब बताइए इतिहास की इतिहास की घटना है सत्रह सो सत निन्यानवे में कोई एक युद्ध हुआ था कहाँ का युद्ध हुआ यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक का या कोई और आपको बताना है कौन एक क्रम का युद्ध और कौन सा युद्ध सत्रह में हुआ था अगले प्रश्न पे आते हैं लिखा हुआ है 1878 का वर्ना का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने रिड लिटन ने ध्यान सुनिएगा अठारह सो अठारह अठहत्तर का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात कर रहा है तो रिपन लिटन या फिर करजन या मिंटो किसने किया था ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आई में पूछा गया है इसका उत्तर आप सारे लोग दे रहे हैं कौन सा सर ए वाला ऑप्शन दे रहे हैं लॉर्ड रिपन तो रिपन ने क्या किया था वर्ना क्यूलर अब देखिए यहां से क्या निकल के आया यहां से एक कंटेंट निकल के आया अठारह दूसरा वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट और तीसरा रिपन का नाम याद करे रहिएगा रिपन ने समाप्त किया था व्याख्या पे अट्ठारह सो बयासी यहां देखिए लिखा हुआ है अट्ठारह सो बयासी की सनह रिपन नाम का व्यक्ति है वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को इसने क्या किया देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया तथा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अठारह में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था याद ये भी करे रहिएगा कि ये एक्ट जो था पारित हुआ था अठहत्तर में लिटन के समय में लेकिन रिपन ने अठारह में इसे क्या किया रद्द कर दिया गया था ठीक बात है ना इस अधिनियम को क्या कहा मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया याद करे रहिएगा इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था तो याद करे रहिएगा अगला लिखा है किसने वर्नाक्यूलर देखिए फिर यही क्वेश्चन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने प्रवर्तित किया दो नाम एक तो कह रहे हैं आपने कहा एक तो रद्द करना दूसरा प्रवर्तित करना देखिए पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर इसका उत्तर फिर यही ए वाला यानी लिटन का नाम आ रहा है देखिए पर आपने क्या व्याख्या पढ़ी थी कि लिटन के समय अठारह में क्या हो रहा है ये पारित हो रहा है जबकि रिपन के समय अठारह में इसे क्या किया जा रहा है रद्द किया जा रहा है दो तिथियां एक अठहत्तर की है एक बयासी की अठहत्तर में लिटन और बयासी में रिपन लिटन पारित करते समय बयासी रद्द करते समय ये सारे शब्द आप नोट कर लीजिएगा अगले प्रश्न पे लिखा हुआ है किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन तो आप यही क्वेश्चन कह रहे हैं सर लिटन जो हो गए यही क्या रहे कह रहे हैं इसका प्रवर्तन कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे आइए लिखा हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जा रहा है देखिए भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम वही है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो अठहत्तर में आया था समाप्त करने की बात कर रहा है तो समाप्त करने की बात अगर कर रहा है तो आपने कहा रिपन हो गए ठीक बात है ना अगर स्टार्ट की बात करता तो हो जाते कौन वो हो जाते लिटन ठीक बात है ना समाप्त किया गया कब तो समाप्त किया गया अठारह में रिपन के समय में और चालू किया गया था कब पारित किया गया था अट्ठारह में लिटन के समय में अगला क्वेश्चन है लिखा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जी दादा दाई नौरोजी जी मोतीलाल नेहरू जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी उत्तर दीजिएगा आप लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस जल्दी दीजिए इसका उत्तर इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई तो मुझे लगता है इसका ए वाला ऑप्शन देखिए बाल गंगाधर तिलक बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिस जिसने उत्तर दिया ए वाला एकदम सही दिया यही पहले व्यक्ति ऐसे थे जो पत्रकार का दायित्व निभा रहे थे और जेल जाने वाले तो ये क्वेश्चन को स्टार या हैश बना लीजिएगा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि प्रेस यानी पत्रकार के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला व्यक्ति भारत से कौन व्यक्ति था तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी थे आते हैं व्याख्या पर लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इतिहासकार एक व्यक्ति हैं इतिहासकार धनंजय कीर इनकी पुस्तक है लोकमान्य तिलक फादर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इसमें ये लिख रहे हैं तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी देखिए तिलक जी की दो पत्रिकाएं छपती थी एक मराठा और केसरी इसमें कह रहा है इसी के पत्रकार के लेखन सत्रह जुलाई अठारह को मुंबई के डोंगरी जेल में चार माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई बिपिन चंद्र और अन्य अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में अंग्रेजी भाषा में उद्घित किया है इन्होंने कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह पहले भारतीय पत्रकार भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में इन्हें जेल आना पड़ा अब आप इसके विषय में ध्यान करें बड़ी व्याख्या है इसकी एक सेकेंड इसकी व्याख्या बड़ी है तो जेल की सजा लिखा हुआ है लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल अठारह को द बंगाली पत्र प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी इस प्रकार तिथि के आधार पर अब आप समझ गए यहाँ पर इसकी व्याख्या खूब ध्यान से समझिए आप इसकी व्याख्या समझ गए कि सर इनके विषय में क्या था यहाँ तिलक जी के विषय में इनको सत्रह जुलाई अट्ठारह को दिया गया यहाँ देखिए आप कहेंगे अगर तिलक जी की बात करेंगे तो आप कहें सत्रह जुलाई और अट्ठारह सौ बयासी की बात कर रहे हैं तिलक जी की जबकि दो अप्रैल अठारह सो तिरासी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को तो आप याद कर करिएगा कि पहली बार आप कहेंगे जेल जाने व्यक्ति पत्रकार के रूप में कौन है तो एक व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक जी और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और थे इनका नाम क्या था गोपाल गणेश आगरकर अब आपसे अगर आर ओ आर एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में है तो वहां गोपाल आगरकर जी का भी नाम पूछ सकता है तो इनके साथ याद कर रहिएगा ठीक बात है ना और तीसरे क्रम पे आते हैं जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ठीक बात है अगले प्रश्न पे आते हैं

इसका उत्तर कह रहे हैं जो लोग डी बता रहे हैं इसमें भी दिया है सही बता रहे हैं यानी फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था अमेरिका में तो ये तारकनाथ दास नाम के व्यक्ति थे व्याख्या पर आते हैं अमेरिका की जगह है वैंकूवर वहीं पर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास स्टार्ट कर रहे वन लाइनर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अगले पे आते हैं लिखा फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले थे कौन थे लाला लाजपत राय ने मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था राम मोहन राय जी ने सैयद अहमद खान ने या मौलाना शिबली नोमानी ने आप उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या पर आते हैं बी वाला जो लोग उत्तर दे रहे हैं राजा राम मोहन राय इन्होंने देखिए मोहम्डन थे नहीं लेकिन आप देख रहे हैं मिरातुल अखबार छाप रहे हैं देखिए यहाँ लिखा है ये क्वेश्चन यहाँ आते हैं व्याख्या लिखा है राजा राम मोहन राय अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया इन्होंने दिसंबर अठारह में इक्कीस में इन्होंने साप्ताहिक पे देखिए दिसंबर अठारह में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रज्ञा का चा या प्रज्ञा का चांद इनका इन्होंने प्रकाशन किया पूछा भी जाता है संवाद कौमुदी किसने साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया तो ये हो रहे हैं आपके इनका नाम है राजा राम मोहन राय अगले पे आते हैं लिखा हुआ है इसके एक वर्ष पश्चात फारसी भाषा में इन्होंने एक निकाला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम है मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण आई बात ध्यान में तो ये दो प्रश्न हो गए एक तो हो गया संवाद कौमुदी का या प्रज्ञा का चांद दूसरा हो गया मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण इसका प्रकाशन किसने किया तो आप कहेंगे ये कह रहे हैं राजा राम मोहन राय जी नीचे आते हैं इसको पॉइंट पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा अगले पे आते हैं लिखा है जॉन एडम जब गवर्नर था तो 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था इसी कारण राजा राम मोहन राय के साप्ताहिक संभा पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना था अब देखिए इस वाले क्वेश्चन से आप चार पांच क्वेश्चन चीजें याद करेगा पहला राजा राममोहन राय का नाम दूसरा आप कहेंगे इनकी रचना जो बांग्ला में आ रही संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद फिर फारसी भाषा में इनकी जो आ रही साप्ताहिक अखबार उसका नाम क्या है मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण अच्छा किसने 1823 में भारतीय प्रेस को पूर्णता प्रतिबंध कर दिया इनका नाम है एडम यानी जॉन एडम नाम का व्यक्ति है अगला अगला लिखा है राजा राम मोहन राय हाँ तो हो गया इतनी बात तो ये पाँच चार पाँच बातें हो गई इस वाले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ अट्ठारह के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था बंग मुंबई से कलकत्ता से मद्रास से या पुडुचेरी से या पाण्डिचेरी से उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस बहुत बढ़िया चलिए देखते हैं क्या उत्तर आपका सही है उत्तर है इसका बी वाला यानी जिस जिसने कलकत्ता लगाया है इंडिया मिरर के लिए एकदम सही उत्तर लगाया है कि इंडिया मिरर जो अखबार है इसका प्रकाशन हो रहा है कहां से कलकत्ता से हो रहा है आते हैं नीचे लिखा हुआ है ये एक सेकेंड भाई यहां यहां लिखा हुआ है एक सेकेंड लिखा हुआ है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था इंडियन मिरर की स्तर देखिए ये क्वेश्चन मजेदार हो गया रवींद्रनाथ टैगोर जी के भाई हैं देवेंद्र नाथ टैगोर इन्हीं के द्वारा इंडियन मिरर पत्रिका अखबार जो है ये बंगाल से प्रकाशित किया जा रहा है 1861 में इनके साथ मनमोहन घोष नाम के व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग से थे यानी आप देख रहे हैं इंडियन मिरर नाम का जो अखबार है बड़ा मजबूत अखबार है देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाल से प्रकाशित किया जा रहा है अठारह से और केशव चंद्र सेन जी और नरेंद्र नाथ सेन और मनमोहन घोष सारे लोग इसमें शामिल रहे हैं ठीक बात ना तो ये सारे पॉइंट हो गए इंडियन मिरर अखबार से अगले क्वेश्चन पे गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं भाई इसका उत्तर ए यानी उर्दू में आया था गदर पत्र व्याख्या में एक नवंबर अठारह उन्नीस सौ तेरह को गदर नाम का पत्र इसका पहला अंक प्रकाशित हो रहा है नौ दिसंबर उन्नीस सौ तेरह से वह गुरमुखी गुर्मु, गुरमुखी में भी छपने लगा पहली बार ये उर्दू में छपा था बाद में गुरमुखी में भी यह पत्र मराठी हिंदी अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापित गया तो आप याद कर करेगा गदर नाम का जो साप्ताहिक जो पत्र है आपका इसको किया गया था किसमें इसको उर्दू भाषा में छापा गया था एक नवंबर 1913 को गदर पार्टी लिखा है गदर पार्टी का एक पत्र अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे तो भारत में गदर पार्टी पूछा जाता है इसकी संस्थापक कौन है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो अभी लिख दीजिए तो गदर पार्टी का पत्र गदर था कैसा था साप्ताहिक मासिक पाक्षिक या दैनिक देखिए यहां पर क्या लिखा है कुछ यहां व्याख्या तो नहीं लिखा है लेकिन इस प्रकार प्रश्न में भी नहीं लिखा है आते हैं उत्तर पे और, और कनाडा में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह ये तीनों लोग मिलकर के गदर आंदोलन की स्थापना कर रहे हैं और मुख्य पत्र जारी कर रहे हैं जिसका नाम है गदर यह एक प्रकार का कैसा पत्र था साप्ताहिक पत्र था इसका प्रथम संस्करण एक नवंबर उन्नीस को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया खूब पूछा जाता है क्वेश्चन गदर पार्टी के विषय में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना करतार सिंह के विषय में कहाँ से पार्टी स्टार्ट की गई थी तो कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो पत्र था गदर किस भाषा का तो आप कहेंगे उर्दू भा ये आप कहेंगे साप्ताहिक पत्र था पहली चीज तो दूसरा कब तो एक नवंबर 1913 को कहाँ पहली बार पर कहां से प्रकाशित किया गया तो ये सैन फ्रांसिस्को से सारे प्रश्न आपके जरूरी हो गए अगले पे आते हैं अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रकाशित किया इसकी स्थापना किसने की गिरीश चंद्र घोष ने हरीश चंद्र मुखर्जी ने एस एन बनर्जी ने या शिशिर कुमार घोष ने उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस चलिए थोड़ा स्पीड में हम करेंगे ताकि चीजें कवर हो पाएं आपकी देखिए उत्तर पे आते हैं इसका डी वाला ऑप्शन जिस जिस ने दिया सही है कि शिशिर कुमार घोष नाम के व्यक्ति जो हैं वही अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कर रहे हैं आगे आते हैं अमृत बाजार पत्रिका यहाँ लिखा हुआ व्याख्या में चलिए स्टार्ट करते हैं लिखा हुआ ये लिखा हुआ है अमृत बाजार पत्रिका एक पॉइंट ये हो गया दूसरा शिशिर कुमार घोष संस्थापक अठारह में कलकत्ता में इसकी स्थापना कर रहे हैं बंगाली भाषा में प्रकाशित हो रहा पांच पॉइंट हो गया अच्छा अगला देसी भाषा से लिखा है अठारह में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्ना क्ल्यूरव वाला था पूछ रहा उसी से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी गिरीश चंद घोष ने क्या किया बंगाली का प्रकाशन अठारह में शुरू किया और क्या है उन्यासी में एस एन बनर्जी ने हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना गिरिश चंद्र घोष ने की थी ठीक बात है ना अच्छा देखिए क्या लिखा है हिंदू बहुत जाता गिरीश चंद्र घोष वाला तो याद करे रहिएगा ये ठीक बात है ना आप पांच छे पॉइंट इस वाले से आप पा रहे हैं अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष अठारह में कलकत्ता में बंगाली भाषा में छाप रहे हैं ठीक है ना प्रकाशित कर रहे हैं अगले पे आते हैं यहाँ लिखा हुआ ये लिखा लोकमान्य तिलक जो थे ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला था गदर फ्री हिंदुस्तान केसरी या स्वदेश मित्र उत्तर दीजिएगा बड़ा आसान बड़ा इंपॉर्टेंट है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया यही केसरी हो जाएगा क्योंकि कुछ ही देर पहले आपने सुना आगरकर जी के साथ बाल गंगाधर तिलक जी मिलकर के छाप रहे मराठा और केसरी पहली बार इनको जेल भी जाना पड़ा पत्रकार के रूप में अच्छा तो अगले व्याख्या पर आते हैं लिखा हुआ है 1881 में इन्होंने स्टार्ट किया था के देखिए 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नाम के दो पत्र छापे थे निकाले थे यानी आपके समाचार पत्र निकाले थे किसने तिलक जी ने ठीक बात है ना यहाँ से आप देखेंगे चार पॉइंट केसरी मराठा अट्ठारह और गंगाधर तिलक जी चलिए अगले पे आते हैं लिखा है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी अगला लिखा है बंगवासी काल केसरी या उपयुक्त सभी तो आप इसमें उत्तर दीजिएगा व्याख्या पर आते हैं इसका उत्तर डी वाला यानी ये चारों आपकी क्या है कांग्रेस की आलोचना ठीक बात ना आल, कांग्रेस की आलोचना करती थी किसी ना किसी कारण की वजह से ठीक बात ना अगले क्वेश्चन पे आते लिखा हुआ है ये समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी संध्या युगान्तर काल यानी पूछ रहा है क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किसने की थी तो आप कहेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर डी वाला कह रहा है एक दो तीन तीनों हो जाएंगे इसके सही व्याख्या पर आते हैं लिखा हुआ है युगान्तर संध्या और काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वलाय वकालत की थी ठीक बात है यानी आप कहेंगे ये सब क्या थी गर्म दल से जुड़ी हुई आपकी पत्रिकाएं थी तो यही कह रहा है क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी यानी आप क्या कर सकते हैं हिंसा कर सकते हैं खास करके जहाँ देश की सुरक्षा तो की बात हो तो ये सब संध्या युगान्तर और काल बाद में भी देखिएगा पूछा जाएगा युगान्तर किसकी पत्रिका संध्या किसकी काल किसका आते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी संध्या युगांतर गदर की यंग इंडिया पूछ रहा है कौन सा होगा भाई एक दो तो, तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस उत्तर दीजिएगा भाई इसका चलिए व्याख्या पर आते हैं इसका उत्तर हो जाएगा जिसने कहा सर डी वाला यंग इंडिया वही सही हो जाएगा ठीक बात है ना व्याख्या पर आइए चलिए व्याख्या पर आते हैं भाई इसकी तो व्याख्या इसकी दी गई है आगे क्या व्याख्या दी गई है सर यहाँ से आ जाइए मेरे साथ सब लोग व्याख्या दी गई है सर एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है यंग इंडिया यहाँ से स्टार्ट करिए कह रहा है सर यंग इंडिया जो है ये क्या है एक सेकेंड कह रहा है यंग इंडिया ये क्या है यही थी जो किसी क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं थी यंग इंडिया पत्रिका जो थी इसका संपादन कर रहे हैं महात्मा गांधी अब समझ गए आप महात्मा गांधी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्रांतिकारी गतिविधि आपकी दंगाई वाली तो नहीं करेगी अहिंसक वाली होगी जबकि 1913 में लाला हरदयाल और सुहन सिंह भाकना जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना कर रहे हैं इस संस्था ने गदर नाम का पत्र निकाला यानी गदर पार्टी जो थी इसका पहले नाम जो था वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था जिसका बाद में गदर पार्टी नाम पड़ा ठीक बात है ना युगान्तर और संध्या का पत्रिकाएं अब आप इसके लिए आप जान गए कि यंग इंडिया यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसके संपादन किसने किया था यानी इसके संपादक कौन तो महात्मा गांधी बाकी आप कहेंगे गदर पत्रिका किसकी तो सोहन सिंह भागना और करतार सिंह ठीक बात है ना लाला हरदयाल की हो रही है गदर पत्रिका गदर पार्टी की ठीक बात है ना अगले पे आते हैं लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था दयानंद सरस्वती जी ने राम मोहन राय जी ने ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने या सुरेंद्र नाथ ने उत्तर दीजिएगा इसका सोम प्रकाश नामक पत्रिका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा यानी ईश्वर चंद जी व्याख्या पर आते हैं लिखा हुआ है ये बंगला साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम है सोम प्रकाश प्रकाशन अठारह कर रहे हैं इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया पूछा जा सकता है कि बताइए ईश्वरचंद विद्यासागर जी का कौन सा समाचार पत्र था जिसमें उन्होंने नील आंदोलन के किसानों के हितों के समर्थन की बात की थी तो यह हो जाएगा आपका सोम प्रकाश किस भाषा में तो बंगाली भाषा में अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अगला लिखा हुआ है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों से प्रचारक था तो आप जान गए कौन सा न्यू इंडिया हो जाएगा इसका ठीक बात है ना महात्मा गांधी अच्छा एक सेकंड लिखा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन था न्यू इंडिया लीडर यंग या फिर फ्री प्रेस जनरल आते हैं व्याख्या पे लिखा है फ्री प्रेस जर्नल था वो न्यूज एजेंसी न्यू अच्छा, न्यू लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे महात्मा गांधी की इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे महात्मा गांधी एल्बर्ट वेस्ट महादेव देसाई या सिख मनसुख लाल नजर उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे चलिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस बिना सब मैंने कहा धैर्यता बनाए रहिएगा अगले कुछ देर तक हम लोग इस पर काम करेंगे अब थोड़ा स्पीड भी हम लोग काम कर कि सीधा व्याख्या पर हम लोग आएंगे लिखा हुआ है इंडियन ओपिनियन यहाँ लिखा हुआ इंडियन ओपिनियन नाम की जो पत्रिका है महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में अठारह सौ तिरानबे में प्रारंभ करे पत्रिका को जिसके प्रमुख संपादक मनसुख लाल नजर थे ठीक बना जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे यह पत्रिका गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अब चार पाँच क्वेश्चन हो गया पहला इंडियन ओपिनियन पत्रिका ये पत्रिका प्रारंभ की गई कहाँ से आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा 1903 में संपादक हो रहे हैं मनसुख लाल नजर जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे ठीक बात है ना अगले क्वेश्चन पे महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र देखिए खुल आपके ध्यान में आ गया यही वाली पत्रिका हो जाएगी कौन सी ये देखिए कहाँ गया भाई एक सेकेंड ये वाला उत्तर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने यही द इंडियन ओपिनियन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा नहीं द इंडियन ओपिनियन जो हो जाएगी यही को दक्षिण अफ्रीका में निकाल रहे हैं कौन महात्मा गांधी निकाल रहे हैं 1903 से मनसुख लाल मनसुख लाल जो हैं इसके क्या होंगे वही हो जाएंगे इसके संपादक मनसुख लाल नजर अगले पे आते हैं देखिए लिखा हुआ है लिखा हुआ द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था अंग्रेजी गुजराती तमिल या फिर उर्दू तो मुझे लगता है कौन सा हो सकता है डी वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन उर्दू नहीं छापा जाता था व्याख्या पर आते हैं नहीं दी है व्याख्या बस इतना जानिएगा कि में नहीं छापी जाती थी लिखा एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने होम रूल पार्टी ने उग्रवादी पार्टी ने स्वराज पार्टी ने या फिर गदर पार्टी मुझे तो नहीं लगता यंग इंडिया चूंकि मोदी उनकी थी गांधी जी की ठीक बात है ना तो ये देखिए ए वाला ऑप्शन होम रूल पार्टी होम रूल पार्टी पे अभी व्याख्या पे आते हैं लिखा है यंग इंडिया सात मई 1919 को ये देखिए यंग इंडिया सात मई 1919 को महात्मा गांधी के परीक्षण से में मुंबई से द्वि साप्ताहिक के रूप में यानी पंद्रह दिन पे छापी जाती थी जमुना दास द्वारका दास और शंकरलाल भयंकर इसके क्या रहे थे संपादक रहे थे लिखा आठ अक्टूबर उन्नीस उन्नीस से यंग इंडिया के संपादक कौन बन गए महात्मा गांधी बन गए अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में इसे प्रकाशित किया जाने लगा और क्या है जमुना दास दास द्वारका और कह रहा है शंकर लाल बैंकर और एनी बेशंट की होम रूल लीग के सदस्य थे आई बात ध्यान में तो सदस्यता के वजह से ये होम रूल लीग का मांग लिया गया है आप व्याख्या जानते रहिएगा कि यंग इंडिया संपादन में महात्मा गांधी का नाम याद करे रहिएगा ठीक बात है ना और इसका सपोर्ट कर रही कौन सपोर्ट कर रही है आपकी एनी बेसेंट की होम रूल लीग व्याख्या पर आते हैं अगले पे लिखा है भारत का ये सबसे प्रमुख क्वेश्चन हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई अट्ठारह को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से पटना से इलाहाबाद से या लखनऊ से उत्तर दीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस जल्दी उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा चलिए आते हैं व्याख्या पर इसका उत्तर ए कोलकाता से प्रकाशित हो रहा है उद्धण लिखा हुआ ये क्वेश्चन अब व्याख्या इसकी सुन लीजिए लिखा हुआ है उद्धण मार्तंड कैसा था हिंदी भाषा का कैसा था पहला समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आप कहेंगे तीस तारीख को मई का अठारह सौ छब्बीस का था इसको कोलकाता से प्रकाशित किया गया ठीक बात है ना और इसके प्रशासक और संपादक कौन थे पंडित जुगल कुशोर शुक्ला नाम के व्यक्ति थे इन्होंने इसका 1826 में इसका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप से प्रकाशन किया था ठीक बात है ना तो आप जान गए वुडन मार्कन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र और ये कलकत्ता से 30 मई 1826 को प्रकाशित हो रहा है ठीक बात है ना याद रख लीजिएगा 1826 इसके विषय में ठीक है याद आया आपको चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं लिखा हुआ है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियॉट यंग इंडिया द हिंदू नेटिव ओपिनियन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस उत्तर दीजिएगा आप लोग व्याख्या पर आते हैं हम लोग चलिए जिसने उसका उसका ए वाला दिया है हिंदू पैट्रियाट एकदम राइट उत्तर दिया है ठीक बात ना हिंदू पैट्रिया कुछ देर पहले हम लोगों ने हिंदू पैट्रियाट की चर्चा की थी व्याख्या पर आते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ये लिखा है ये एक सेकेंड एक से लिखा हुआ अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का जिसका नाम था बंगाल गजट ठीक बात है ना यह था भारतीयों द्वारा लिखा दिया विकल्पों में अगर कहा जाए तो हिंदू पैट्रियॉर्ट जो था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पर देखिए वैसे तो कह रहा है कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र भारतीयों द्वारा हो गया आपका बंगाल गजट जो गंगाधर भट्टाचार्य ने लिखा था लेकिन चूंकि विकल्प में वो नहीं था तो विकल्प में हिंदू पैट्रियॉर्ट है यही पहला समाचार पत्र ठीक बात है ना याद करेगा जिसके संपादक कौन है गिरीश कुमार घोष नाम के व्यक्ति ठीक बात है ना याद कर रहिएगा इतना हो गया इस वाले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए आगे वाले पे आते हैं यहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इससे जुड़े हुए थे हिंदू पैट्रियॉर्ट से आते हैं अगले पे लिखा हुआ नील आंदोलन का जमतर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियॉर्ट के संपादक कौन थे हेम दीनबंधु मित्रा हरिश्चंद्र मुखर्जी या दिगंबर विश्वास तो आप जानेंगे कौन थे हरिश्चंद मुखर्जी कुछ देर पहले अच्छा याद करिए मैंने अट्ठारह की क्रांति बताई थी उसके बाद जब मैंने पिछले वाला सेशन आप जो नहीं देखा हुआ वो लोग देखिएगा और जो देखा होगा वो जानते होंगे हमने नील आंदोलन बताया तो हमने नील आंदोलन से नील दर्पण बताई थी हिंदू पैट्रियाड बताई थी नील दर्पण हमने बताई थी दीनबंधु मित्रा और जबकि यहाँ इसकी बात की थी हिंदू पैट्रियाड की तो हरिश्चंद मुखर्जी का नाम मैंने कराया था जो भी पुराने वाले विद्यार्थी होंगे एक बार आप लोग इस वाले बात के लिए एक बार थम्भ लगाकर अपना अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि हाँ मैंने

स्वदेश वाहिनी स्वदेशाभिमान के संपादक रामकृष्ण तो पिल्लई थे त्रावण कोर के राजा नया था, था। किससे डी तो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था इंडिपेंडेंट नामक का पत्र ठीक बात ना अगले पे इन्होंने स्वशासन की इसमें की थी अगले पे आते हैं लिखा हुआ सकता है भारत मित्र राष्ट्रमत प्रजा मित्र और नायक व्याख्या पर आते हैं लिखा हुआ है भारत मित्र हिंदी में वो प्रकाशित किया जाता था राष्ट्रमत मराठी प्रजा मित्र गुजराती में जबकि नायक बंगाली में अगले शिव प्रसाद गुप्ता मैंने कहा एक बार मेरे साथ लगातार अब बन जाइएगा कुछ देर के लिए चूंकि बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास करूंगा इसे ताकि चीजें अपलोड हो पाए आप लोगों के लिए तो दैनिक आज कर रहे हैं शुक्ला गुप्ता द लीडर मदन मोहन मालवीय जी द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी पायनियर जॉर्ज एलन ठीक बात है ना ये इसके संस्थापक हैं अगले पे आते हैं केसरी पूछ रहा है विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था प्रका कानपुर से प्रकाशित तो होने वाले किस समाचार से केसरी महारा मराठा प्रताप या फिर मंजूषा तो इसका ऑप्शन हो गया बी प्रताप नाम की पत्रिका विजय सिंह विजय सिंह देखिए क्वेश्चन खूब पूछा हिंदी में भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है प्रताप वाला तो प्रताप पत्रिका समाचार पत्र हो रहा है विजय सिंह के द्वारा कानपुर से पूछा जाता है प्रताप पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था समाचार पत्र का तो आप जाने रहिएगा कानपुर से संस्थापक हो रहे हैं इसके विजय सिंह अगले पे आते हैं यहां यहां पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे तिलक गोखले गांधी जी या नवरोजी आप व्याख्या पर आते हैं उत्तर आप लोग खुद दीजिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन गांधी जी हरिजन पत्रिका गांधी जी निकाल रहे हैं गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित किया इन्होंने हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन देखिए तीन है हरिजन निकाला अंग्रेजी में हरिजन बंद गुजराती में और हरिजन सेवक निकाला इन्होंने हिंदी में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हरिजन साप्ताहिक पत्र प्रथम अंग ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ को निम्न शहरों में से किन कहाँ से प्रकाशित किया गया तो आप जान रहे इसका उत्तर सी वाला पूना से यहाँ देखिए पूना जो वर्तमान समय में पुणे महाराष्ट्र में यहीं से 11 फरवरी उन्नीस को हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था ठीक बात ना इस प्रकाशन के समय गांधी जी कहाँ थे यरवदा जेल में इसके संस्था संपादक कौन थे आर वी शास्त्री याद करे रहेगा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन हरिजन पत्रिका वाला अगले पे आते हैं मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ की थी अंबेडकर साहब ने बाल गंगाधर तिलक जी ने वी डी सावरकर और अगला लिखा है गोपाल तो मुझे लगता है बी वाला ऑप्शन सही होगा देखिए बाल गंगाधर तिलक उनके विषय में बी आर अंबेडकर जी के विषय में ये देखिए बी आर अंबेडकर जी बीस जुलाई उन्नीस चौबीस को चौबीस चो, को अंबेडकर साहब निकाल रहे हैं बहिष्कृत हथकारिणी सभा बना रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं बाद में इसके विषय में क्या कर रहे हैं तीन अप्रैल उन्नीस को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत इन्होंने स्टार्ट किया ठीक बात है ना तो याद कर रहेगा इनके विषय में बहिष्कृत भारत या बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोनों से जुड़े हुए हैं भीमराव अम्बेडकर जी अगले पे आते हैं बहिष्कृत भारत तो आप जान गए फिर से क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर जी बहिष्कृत भारत बी आर आंबेडकर अब देखिए बहिष्कृत भारत इतने बार पूछा गया है तो इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि बहिष्कृत भारत या बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोनों बना रहे हैं कौन बाबा साहब अम्बेडकर अगले पे आते हैं जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया पत्रिका देखिए बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन अल हिलाल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कॉमरेड या फिर जमीदार तो आप सब जानते हैं ये लिखा गया था किसके द्वारा अल हिलाल लिखा गया था अल, अल हिलाल जो है यह प्रकाशित किया जाता था जो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इन्हीं के रूप इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फिर से सुन लीजिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ठीक बात है ना अगले क्वेश्चन पर देखिए अबुल कलाम आजाद क्या कर रहे हैं उन्नीस ये याद कर लीजिएगा भाई इसको नोट कर लीजिएगा कहीं आजाद जी उन्नीस में उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल प्रारंभ किया इन्होंने याद करे रहिएगा तो कब 1912 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्र अल हिलाल निकाल रहे हैं अबुल कलाम आजाद जी लिखा है 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था वंदे मातरम ट्रिब्यून पीपुल या फिर वीर अर्जुन चलिए उत्तर दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला वंदे मातरम निकाल रही है उर्दू भाषा में निकाल रहे हैं कौन देखिए लाला लाजपत राय लाहौर से उर्दू में बंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका और अंग्रेजी में निकाल रहे हैं द पीपुल ठीक बात है ना याद करेगा लिखा इसके पहले बार संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे कौन लाला लाजपत राय अगले पे आते हैं लिखा हो ये कुछ व्याख्या लिखी हुई है उतना देखिए व्याख्या इसकी जरूरी है हिंदू समाचार पत्र के संपादक जो थे सुब्रमण्यम अय्यर थे उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नोरोजी और बंगाली के संपादक एस एन बनर्जी तो ये चारों क्वेश्चन आप याद कर रहेगा यानी आप देखिएगा ये सब वन लाइनर में यानी आप कहेंगे कूट में पूछ लिया जाएगा ज्यादातर मिलान करने में या कूट के वाले क्वेश्चन में यह सब पूछा जाता है अगले पे आते हैं यहाँ ये व्याख्या काल लिख रहे संपादक हैं शिवराम महादेव परांजय बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण अगले पे आते हैं मैंने कहा ये सेशन उन्हीं के लिए है ही है जो पढ़ाई के लिए सीरियस विद्यार्थी क्योंकि सबकी धैर्यता इसके लिए बन नहीं पाएगी और मैं प्रयास में हूँ ही नहीं कि मैं आपके लिए केवल रुचि पैदा करूँ मैं रुचि पैदा कर सकता हूँ लेकिन दिक्कत है उसके चक्कर में सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी रुचि वाला रुचि वाले समय पर होगा लेकिन यहाँ पढ़ने वाले समय में केवल पढ़ने वाला काम होगा चूँकि बड़ी मेहनत से वीडियो अपलोड होती है जान जाइए बड़ी मेहनत से बड़ी व्यवस्था में वीडियो चीज़ें होती हैं ये मैं जानता हूँ ये मेरे जानने वाले जानते हैं

लखनऊ से इसे स्टार्ट कर रहे हैं ठीक बात है ना याद कर इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी कुछ और बातें हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकती हैं देखिए यहाँ पर कॉमन कॉमनवेल एनी बेसेंट यंग इंडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है यंग इंडिया महात्मा गांधी केसरी बाल गंगाधर तिलक और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर जी अगले पे आते हैं लिखा हुआ ये स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से भारत बंधु हाथरस से सत्यवादी आगरा से शक्ति अल्मोड़ा से अगले पे आते हैं लिखा हुआ द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले फिर आते हैं व्याख्या पे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया का संपादन कर रही महात्मा गांधी यंग इंडिया का बाल गंगाधर तिलक मलाठा और केसरी का अगले पे आते हैं देखिए चलिए आज के लिए मैं कह रहा हूँ इसके बाद और भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं और बहुत पढ़ूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अच्छा तो मैं आपसे आज के लिए आपकी अपनी वाणी को यहीं पर विराम लूंगा क्योंकि कारण है ये कि बहुत देर से हो रहा है चीज़ें बोली जा रही हैं तो थकान भी हो रही है अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आप इसकी पी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा आप अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाइएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगा ठीक बात है ना आप सब उससे जुड़ जाइएगा हाँ ये है मैं फिर कह रहा हूँ धैर्यता से आप सेशन में जैसे रेगुलर वे में जुड़ रहे हैं वैसे आप हर दिन सात बजे और नौ बजे याद कर लीजिए सात बजे हिंदी का सेशन हर दिन रहेगा देखिए इसके बाद आज इस वाले टॉपिक के बाद आप आइएगा तो इस वाले टॉपिक के बाद आप तमाम सारे सुधारवादी आंदोलन आएंगे फिर उसके बाद आपका रोचक टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैंने कहा जितने जितनी रोचकता आपको बन जितनी धैर्यता आप बनानी है बना लेंगे तो अपने आप रोचकता आपको दो दिन बाद खुद ही मिलने लगेगी ठीक बात है ना चलिए मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ नए सेशन के साथ तब तक आपने इतना सहयोग किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा मेरे साथ वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वे और थे जो हार गए आसमान से आपने इतना सहयोग किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत शुभ रात्रि वंदे मातरम